फिर आ गए। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। आज हम आपके लिए फिर से एक खूबसूरत मकान लेकर आए हैं। मकान का प्राइस भी बहुत ही जेन्युइन रखा गया है और बहुत ही चौड़ा इसका फ्रंट है। ये आपकी पार्किंग है, ये आपका ड्राइंग एरिया है दोस्तों, ये यूनिट दे रहे हैं दोस्तों। ये आपका डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे आपको ओटीएस मिल जा रहा है साइड में। और ये आपका मॉडलर किचन है। और दोस्तों ये मंदिर है दोस्तों। ये आपका बेडरूम और ये निगोशिएबल है, भारी छूट इसमें आपको मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आलमबाग प्रॉपर्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से एक खूबसूरत और बेहद शानदार लोकेशन पर बहुत ही खूबसूरत मकान लेकर आए हैं। और मकान का प्राइस भी बहुत ही जेन्युइन रखा गया है और अभी आप इसका इंटीरियर देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आज हम आपको इस 800 स्क्वायर फिट के मकान का पूरा विवरण देने वाले हैं। पूरा फेस का ये मकान है और बहुत ही चौड़ा इसका फ्रंट है। अभी हम इसका पूरा आपको दिखाएंगे ही तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने थोड़ा सा हो सकता है प्रीव्यू में देख लिया हो या थंबनेल में देख लिया हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। दोस्तों ये आपकी पार्किंग है, लगभग 12 फीट का चौड़ान आपको मिल जाता है और लगभग उतना ही आपको गाड़ी खड़ी करने के लिए भी स्पेस मिल जाता है। तो कोई भी आपकी छोटी गाड़ी इसमें आराम से खड़ी हो जाएगी। ऊपर आपको बहुत ही सुंदर फॉर सेलिंग मिल रही है और यहाँ पर आपको सीढ़ियों के नीचे इन्वर्टर स्पेस दिया जा रहा है। दोस्तों अंदर आ जाइए। यहाँ पे हमने समरसीबल का डायरेक्ट पॉइंट दे दिया है और ये एक टैप दे दिया है जहाँ पर आप अगर चाहें तो अपनी वॉशिंग मशीन वशीन, अगर आप यहाँ पे कार पार्क नहीं कर सकते हैं, बाइक तो आराम से पार्क हो ही जाएगी। वॉशिंग एरिया के रूप में इसको यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, बाकी अंदर भी है। एक एंट्री मिलती है आपको, आइए। डबल डोर मिलते हैं, एक ये नेटवर्क और दूसरा जो है मेम्ब्रेन। ये आपका ड्राइंग एरिया है दोस्तों, ऊपर आपको दिख ही रहा है बहुत ही सुंदर फॉर सेलिंग। और वैसा ही अंदर आ जाइए। ये इधर से एक बार वॉलपेपर दिखा दीजिए, 3D वॉलपेपर यहाँ पे लगा हुआ है। ये आपका 3D वॉलपेपर जैसे लग रहा है, लेदर लुक में लगाया गया है, बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है। और यहाँ पे हम आपको एक इसके साथ ही TV यूनिट दे रहे हैं। सारी फिटिंग जो है, जो हमने इलेक्ट्रिक की लगाई है वो हमने ब्लैक लगाई है, जिससे कि कलर आपका सेम ऐसे ही बना रहे लंबे समय तक। और यहाँ पे हमने AC की फिटिंग दे दी है, उसके लिए यहाँ पे ये MCB लगा दी गई है दोस्तों। जो आपको हम विंडो दे रहे हैं, विंडो काफ़ी बड़ी है और ये लॉन एरिया में खुलती है, यहाँ पे लॉन एरिया में दिया गया है। अभी इधर अंदर से है उसका दिखा देते हैं। और ये साउंड प्रूफ विंडो है, बाहर की आवाज़ आपको देखिए सुनाई नहीं दे रहा होगा, जबकि बाहर मशीनें चल रही हैं, काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आ रही है। और सेफ्टी के लिए हमने
लोहे की ग्रिल लगा दी है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आपका ड्राइंग एरिया के बाद में। तो दोस्तों ये आपका डाइनिंग एरिया है, बहुत ही खूबसूरत ये भी है, ऊपर बहुत ही सुंदर यहाँ पे आप देख ही रहे हैं फॉल सीलिंग दी गई है, और ये इतना स्पेसियस है कि यहाँ पर आप अपनी अगर 8 चेयर वाली भी डाइनिंग टेबल लगाएंगे तो भी आराम से लग जाएगी, उसके बाद में भी चारों तरफ से जगह बची रहेगी। और यहाँ पे आपको OTS मिल जा रहा है साइड में, ये OTS है दोस्तों, और इसे आप वॉशिंग एरिया के रूप में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सारी व्यवस्था कर दी गई है दोस्तों। ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको हाथ धुलने के लिए जगह बचेगी, तो यहाँ पे खूबसूरत सा वॉश बेसिन यहाँ पे दे दिया गया है दोस्तों। और ये आपका कॉमन वॉशरूम बहुत ही सुंदर बनाया गया है, दिखा दीजिए एक बार। दोस्तों लोकेशन की बात की जाए तो हाईवे से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी है ये, और सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन, ये कॉलोनी बड़ी जानी पहचानी है आपकी, संगम विहार कॉलोनी है। सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और कन्विंस किए लिए आपको यहाँ पर हमेशा ई रिक्शा मिल जाता है। आइए दोस्तों, ये आपका मॉडलर किचन है, और ड्यूअल टोन रखा गया है, ऊपर वुडन चॉकलेटी कलर है, टेक वुड जिसको बोलते हैं, और नीचे ये आपका लाइट कलर। और इसमें जो देख रहे हैं आपको जो फिटिंग्स लगाई गई हैं, हैंडल का प्रयोग नहीं किया गया है, सब ऐसे ही है, थोड़ा सा पुश करिए सब अंदर। यहाँ पर भी फिटिंग नहीं लगाई गई है, ये देखिए बिना हैंडल के, और काफी स्पेसियस है, बड़ा किचन दिया जा रहा है इसमें। एक विंडो मिल रही है आपको जो कि आपके OTS एरिया में खुलेगी, और यहां पे आपका चूल्हा लग जाएगा, और अगर मान लीजिए कि चिमनी आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप एग्जास्ट यहाँ से लगा सकते हैं, वो सुविधा हमने वेंटिलेशन के लिए कर दी है। और यहीं पे सारे स्विच सॉकेट भी दे दिए हैं ये आपका, और माइक्रोवेव लगाने के लिए जगह यहाँ पे बना दी गई है। तो ये सारी किचन की सुविधाएं थी। आइए अब आपको एक और स्थान दिखाते हैं, इस घर का सबसे पवित्र स्थान, ये मंदिर, सुंदर सा दोस्तों ये मंदिर है। बहुत ही सुंदर बनाया गया है, और इसमें गायत्री मंत्र पूरा लिखा हुआ है, आपको दिख ही रहा होगा। और यहाँ पर आपको स्टोरेज की भी सुविधा दे दी गई है, और इसी के बगल ये आपका थोड़ा सा लॉन एरिया है दोस्तों। ऊपर भी एक गुंबद वाली डिजाइन बना दी गई है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है पूरा मंदिर का, बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है दोस्तों। आप आराम से यहाँ पर बैठकर अपना ध्यान लगा सकते हैं दोस्तों। ये आपका बेडरूम, और इसमें हमने सामान आपको पूरा भर कर दिया है। ऊपर देखिए, ऊपर भी आपको स्टोरेज की जगह मिल जाती है, यहाँ पे ये आपको टीवी यूनिट मिल जाता है, नीचे भी इसमें स्टोरेज की जगह है, और ये भी स्टोरेज की जगह है, यहाँ पे हमने आपको बैठने के लिए भी स्थान बना दिया है। ये आपका यहाँ पे भी स्टोरेज मिल जाता है साइड से। ये आपका वार्डरोब, और वार्डरोब काफ़ी बड़ा बनाया गया है, चौड़ा, कि आपको स्टोरेज के लिए कोई असुविधा नहीं होगी, जितना भी आपका सामान है आराम से इसमें आ जाएगा। एक दराज भी मिल जाता है आपको, यहाँ पे आप अपनी साड़ियाँ टांगिए, कोट टांगिए, ऊपर जो कम्बल वम्बल रखने हैं वो रख सकते हैं। इधर भी आप
काफ़ी जगह है, कुछ भी रख सकते हैं जितना भी आपका सामान है। और उसके बाद में भी स्पेस तो काफ़ी अच्छा है ही है, आपका बेड आराम से पड़ जाएगा, उसके बाद में भी इधर उधर जगह बची रहेगी। यहाँ पर एसी का पॉइंट दे दिया गया है, स्विच सॉकेट सारे इस लेवल पर लगाए गए हैं कि जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो, आप मोबाइल वोबाइल चार्ज कर सकें, ये सब व्यवस्था कर दी गई है नीचे। अब चलिए मकान के बारे में जो बची हुई जानकारी है वो भी आपको बैठे बैठे यहीं से दे देते हैं, ज़्यादा चलने की हिम्मत नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। दोस्तों अब आपने पूरा मकान देख लिया, ये 1 BHK बना हुआ है, एक आगे इसमें ड्राइंग रूम दिया गया है, बीच में डाइनिंग हॉल है, और एक ये बेडरूम है, मॉडलर किचन है, और वॉशरूम है, पार्किंग है, OTS है, इतना इसमें दिया गया है। बाकी ये फर्नीचर तो आप देख ही रहे हैं, मंदिर भी दी गई है। दोस्तों लोकेशन मैंने आपको बता ही दिया कि आलमबाग अवध चौराहे से सिंगारनगर मेट्रो स्टेशन से आप हरदोई बाईपास पर लगभग 1 किलोमीटर आते हैं, वही पहला वाला फ्लाईओवर उतरते हैं तो बाएं साइड में रेलवे का इरिटिम ऑफिस है, जिसको यहाँ पर जन भाषा में DRM बोला जाता है, CMS स्कूल के अपोजिट साइड में। CMS अगर हम आते हैं अवध चौराहे से तो दाहिने साइड में, रोड के दाहिने साइड में CMS स्कूल है, बाएं साइड में DRM ऑफिस है, जहाँ से इस कॉलोनी की एंट्री शुरू होती है। तो अंदर आएंगे 1 किलोमीटर लगभग चलने पे ये मकान है आपका संगम विहार कॉलोनी में। और अगर हम दूरी देखते हैं आलमबाग बस स्टैंड से तो ये लगभग 4 किलोमीटर के आसपास हो जाती है, 4 से 4.5 किलोमीटर, और रेलवे स्टेशन से चार बाग से अगर देखते हैं तो लगभग 7 किलोमीटर हो जाती है दोस्तों। और अगर एयरपोर्ट देखा जाएगा तो वो भी लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। कानपुर रोड भी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है, और आगरा एक्सप्रेसवे अगर देखा जाएगा तो वो लगभग यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। और अब इसमें बचता है आपका कितना इस पर फाइनेंस हो जाएगा, तो इस मकान पर आपको 80% तक आराम से लोन उपलब्ध हो जाएगा। और इस मकान की प्राइस इसका दोस्तों ज़्यादा नहीं रखा गया है, मात्र 40 लाख रुपए रखा गया है, और ये निगोशिएबल है, भारी छूट इसमें आपको मिलेगी जब आप आएंगे मकान पे। फ़ोन पे मत पूछिएगा, डायरेक्ट आएंगे, डायरेक्ट इसमें आपको जब आप मकान पसंद कर लेंगे तभी छूट के बारे में पूछिएगा, उसी समय आपको छूट दी जाएगी, भारी छूट मिलेगी, ये जान लीजिए।